नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी। मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको सिंगापुर के बारे में बताऊंगी, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे कुछ पर्सनल और कुछ इंटरनेट द्वारा ली गई है। सिंगापुर के लिए सब जगह से फ्लाइट है, लेकिन सबसे बेस्ट फ्लाइट एयर इंडिया की है जो आप ले सकते हैं। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। सिंगापुर 63 द्वीपों से बना हुआ एक समावेश है, और ये एशिया का एक छोटा सा देश है। सिंगापुर सपनों का देश है। यहाँ इसकी गिनती अमीर देशों में गिनी जाती है। ये बहुत डेवलपर देश है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट देश है। यहाँ 280 मीटर से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। यहाँ की आबादी 56 लाख है, और करप्शन यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे महंगा शहर है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट हर साल आते हैं। यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। यहाँ पर छोटी सी छोटी गलती करने से आपको जुर्माना देना होता है। यहाँ पर टॉयलेट जाने के बाद पानी डालना ज़रूरी है। अगर आपने पानी नहीं डाला तो इसका भी जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ये शहर इतना सुंदर और इतना साफ है कि जैसे लगता है कि स्वर्ग है, स्वर्ग सा प्रतीत होता है। आप यहाँ पर आने के बाद किराए की साइकिल भी ले सकते हैं। टैक्सी का किराया यहाँ काफ़ी महंगा है, क्योंकि सिंगापुर सबसे महंगा शहर है। तकरीबन यहाँ 70,000 कंपनीज हैं जो बाहर से लोग आकर काम करते हैं, और यहाँ पर उससे सरकार को भी फ़ायदा होता है। सिंगापुर में च्युइंगम खाना जो है वो एक दंडनीय अपराध होता है। यहाँ आप च्युइंगम नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, और साफ सफाई के लिए काफ़ी सतर्कता बरती जाती है। यहाँ पर छोटी सी छोटी गलती करने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ दीवार पर पोस्टर पेंटिंग नहीं बना सकते हैं, न पोस्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो ऐसा लगता है कि आपको एक आपका सपना पूरा हो गया है, जिसको कि लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सिंगापुर जाकर देखना है। यहाँ की साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा, इतना हरा भरा चारों तरफ गार्डन, इतनी हरियाली जो कहीं देखने को नहीं मिलती है। यहाँ घूमने के लिए आपको 5 या 6 दिन काफ़ी है। यहाँ पर आप जब आते हैं तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट पर भी आपको गाइडलाइंस मिल जाती है। आपका जो पैसा है वो चेंज भी हो जाता है, मनी चेंजिंग भी हो जाती है। आपको यहाँ पे हर चीज़ एयरपोर्ट पर इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर आप पैकेज के साथ आते हैं तो बहुत अच्छा है, और पर्सनल भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर देखने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आप जिसको ज़्यादा देखना आपको चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले आप रिवर क्रूज़ उसमें आप बुकिंग करा दें, क्योंकि उसमें आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसी भी बुकिंग कराएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कई बार जब सीजन होता है तो उसमें बुकिंग मुश्किल होती है, और अगर आप वहाँ पर 2 दिन 3 दिन नहीं रुकते हैं तो फिर सिंगापुर में आना आपके लिए बेकार होता है, क्योंकि वो भी एक रोमांटिक चीज़ होती है आपकी लाइफ में कि आप उसमें रिवर क्रूज़ में जो है जाकर 2 दिन 3 दिन के पैकेज में रुके। उसके बाद है लाइट एंड साउंड शो जो शाम को होता है, वो भी आप ज़रूर देखें। फिर बोटनिक गार्डन्स है, इसके बाद फिर गार्डन बाय द बे, वो आप देखें। और इसको आप 5 डेज या 6 डेज में कन्वर्ट कर लीजिए कि कैसे किस दिन क्या आपको देखना है। उसके बाद म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। वाटर पार्क है, मैडम तुसार है, सैंटोसा आइलैंड है, जो कि वो एक अपने बहुत ही ज़्यादा सिंगापुर में फेमस जगह है, जहाँ की आपको टाइम कम है तब भी आपको जाना चाहिए। इसके बाद विंग्स ऑफ टाइम है, फ्लाई ओवर है, फ्लाई ओवर से आपको पूरा सिंगापुर दिखता है।
बहुत ही स्लो मूवमेंट में वो धीरे 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 घूमता है, और उससे आप पूरा सिंगापुर देख सकते हैं, फ्लाई ओवर जो कि सिंगापुर का सबसे फेमस है। फिर चाइना टाउन, यहाँ पर आप ज़रूर जाइए, उसको भी देखिए। इसके बाद आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो है उसमें आपका पूरा एक दिन लगेगा। अगर आप 10 बजे या 10:30 बजे होटल से पहुँचते हैं तो आप शाम को 6 या 6:30 तक फ्री हो पाएंगे। या आपका जो पैकेज वाला है या जो भी आपका मैनेजर है जिसके साथ आप जा रहे हैं, वो आपको एक टाइम निश्चित देगा जिसमें कि आप उस टाइम पर वहाँ आपको पहुँचना होगा। लेकिन यूनिवर्सल में पूरा एक दिन लग जाता है, सुबह जाएंगे तो शाम तक लग जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है यूनिवर्सल और उसको ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद आता है ऑर्चिड मॉल। ऑर्चिड मॉल में ज़रूर जाइए, स्ट्रीट शॉपिंग बहुत अच्छी है वहाँ की, स्ट्रीट शॉपिंग करिए। बुगीज़ मार्केट, जो भी इंडियंस जाते हैं वो बुगीज़ मार्केट में ज़रूर जाते हैं। बुगीज़ मार्केट से आप इलेक्ट्रॉनिक सामान, एम्ब्रेलास, मेकअप का सामान, और देने के लिए गिफ्ट, जैसे आप गए हैं आप अपने रिलेशन्स के लिए, आपको गिफ्ट लेना है, मोमेंटोस लेने हैं, छोटे छोटे गिफ्ट लेने हैं, वो बुगीज़ मार्केट में बहुत अच्छे मिलते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके रेट्स भी बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा महंगा नहीं है वहाँ पर, आप वहाँ से गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद आता है लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया एक छोटा सा उसका नाम रखा है लिटिल इंडिया, इंडियंस वहाँ पर बहुत हैं। वहाँ पे आपको हर टाइप के होटल्स मिल जाएंगे, छोटे भी बड़े भी, वेज नॉन वेज खाना मिलेगा आपको, डोसा इडली सारा खाना, कढ़ी चावल राजमा जो भी हमारा इंडियंस खाना है वो आपको मिलेगा। और आप नॉन वेज भी वहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको चिकन फिश बहुत अच्छा खाना मिलेगा। वैसे खाना सभी जगह अच्छा मिलता है, पर आप लिटिल इंडिया में भी अगर उसके आसपास कहीं रुके हैं तो आप लिटिल इंडिया में भी जाकर डिनर लंच वगैरह ले सकते हैं। और इसके बाद आप जो है लास्ट दिन अपनी शॉपिंग रखिए, क्योंकि आप सिंगापुर जो है वो घूमने के लिए आए हैं, शॉपिंग आपकी लास्ट दिन होगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सिंगापुर इतना ज़्यादा महंगा है कि खर्च करते समय पता नहीं चलता है कि आपकी मनी कितनी बची है। वहाँ पर आपको खाना खाना है या चाय पीनी है या कुछ भी करना है, इसके लिए सिंगापुर में आपको मनी अपनी बचा कर रखनी है, क्योंकि पैसे खर्च होते जाते हैं, लास्ट में पता नहीं चलता कि आपके पास कितना बचा है। और यहाँ पे हर चीज़ महंगी है, इसलिए आप अपने पैसे को बचा के रखिए। उसके बाद लास्ट दिन आप शॉपिंग करिए जो भी आपको अच्छा लगता है, और शॉपिंग करने के बाद नेक्स्ट डे आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं। सो मुझे आशा है कि आप लोगों को सिंगापुर का ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी जो है फैमिलियर है और आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।